लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, उस छोटी लड़की को घर में छोड़ दिया गया। द लिटिल यानी छोटी, गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, उस छोटी बच्ची को घर में छोड़ दिया गया। विथ अलाइस, किसके साथ छोड़ा गया, घर में अकेली भी किसके साथ थी, विथ अलाइस, अलाइस के साथ उसको घर में अकेला छोड़ दिया गया। अलाइस के साथ उसको घर में छोड़ दिया गया। द कुक, अलाइस कौन था, अलाइस द कुक, उसके घर में खाना पकाने वाला जो था, अलाइस द कुक, उसके साथ बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ लाइस द कुक, छोटी बच्ची को घर में अकेला छोड़ दिया गया रसोइये के साथ। किसके साथ छोड़ दिया गया, रसोई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, डे टाइम। दैट ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक था, बच्ची थी, आराम से इधर उधर घूम रही थी, खेल रही थी, बातचीत कर रही थी, दिन में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, सारे बच्चों के साथ वो दिन में खेल रही थी। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर, बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग, बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड, हर टू बेड, सी ग्रू सडनली, सी ग्रू सडनली, सी ग्रू सडनली अफ्रेड, अफ्रेड। देखिए, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ अलाइस द कुक, अलाइस कुक के साथ छोटी बच्ची को घर पे अकेला छोड़ा गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में सब ठीक ठाक था, बच्ची आराम से घूम रही थी, खेल रही थी, बिल्कुल कोई उसके ऊपर स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं थी। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर, बट अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जैसे अलाइस ने उसको सोने के लिए, भाई अब सोने का समय हो गया, रात हो गई है, आप जो है वो जा करके क्या करें, सो लें, नींद ले लें और सो जाएं। तब क्या हुआ, वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो अचानक वो डर गई, उसे डरने का बात कहने लगी कि नहीं मुझे तो डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं सो पाऊंगी। शी वॉज अफ्रेड, जैसे बिस्तर पर लिपा रही थी अचानक से वो डर गई। कहने का मतलब, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे, दिन में सब ठीक ठाक था। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जैसे ही अलाइस उसको सोने के लिए बेड पर लेके गई लेटाने के लिए, सी ग्रू सडनली या फिर अचानक से वह डर गई। अब इस डर का क्या कारण था, वो डरती कैसी थी, क्या प्रॉब्लम थी उसको डर किस बात का लगता था, देखिए। वॉट आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर, वो कह रही है, 10 नंबर का जो आपका पैराग्राफ वो स्टार्ट हो जाता है कि वॉट आई डू, वॉट विल आई डू इफ आई हैव ए, इफ आई हैव ए नाइट मेयर, जब मुझे रात में बुरे सपने आए तो मैं क्या करूं, वॉट विल आई हैव डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर, यदि मुझे रात को बुरे सपने आए तो मैं क्या करूं। वो कह रहे, यदि मुझे रात को बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी, आई विल हैव, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगी, इफ आई हैव ए नाइट मेयर, यदि मुझे रात को बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी। और लास्ट में क्वेश्चन, बस अपने आप से उसने पूछा उनसे। फिर वो आई ऑफन हैव, वो कह रही है खुद ही,
I often have a nightmares. Have nightmares. वो कह रही है अक्सर मुझे रात को बुरे सपने आते रहते हैं. और वो क्या करती है, वो कह रही है आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, अक्सर मुझे रात को बुरे सपने आते रहते हैं. फिर वो क्या करती है, बुरे सपने जब उसको आते ही रहते हैं. एंड देन ग्रेनी टैक्स एंड देन ग्रेनी टैक्स एंड देन ग्रेनी टैक्स ग्रेनी टैक्स मी इन टू हर बेड टैक्स मी हर देन ग्रेनी टैक्स मी इंटू हर बेड इंटू हर बेड इंटू हर बेड. जब मुझे बुरे सपने आते थे मैं डर जाती थी तो दादी मुझे अपने बेड पर ले लेती थी, मैं उनके पास सो जाती थी. आई कांट स्टे इन डार्क आई कांट स्टे इन डार्क. मुझे अंधेरे में रहना पसंद नहीं है या मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी मुझे अंधेरे में डर लगता है. इट ऑल ये सब इट ऑल गेट्स विस्परी मुझे अंधेरे में कुछ सुनाई देता था. फुसफुसाहट की आवाजें आती रहती है, पेड़ों के हिलने की आवाजें हैं वो सुनाई देती रहती है. यानी आई कांट स्टे इन डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी मुझे अंधेरे में डर लगता रहता है, मैं अंधेरे से भयभीत होती रहती हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाती, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे में. यू जस्ट गो टू स्लीप. फिर वो कह रही है कौन कह रहा है एलाइस कह रही यू जस्ट गो टू स्लीप यू जस्ट गो टू स्लीप आप चुपचाप सो जाओ. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड स्लीप चाइल्ड बच्चे तुम बिल्कुल सो जाओ तुम चिंता मत करो. सेड एलाइस पुलिंग सेड एलाइस पुलिंग यानी यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स ऑफ हर सॉक्स सॉक्स यानी एलाइस ने उसके जुराब या मोजे उतारते हुए सोलाने के लिए जो मोजे पहने हुए थे वो उसकी खोल रही थी. खोलते हुए उसने कहा जस्ट गो टू स्लीप आप सो जाइए चाइल्ड सेड एलाइस एलाइस ने कहा पुलिंग ऑफ हर सॉक्स यानी उसके जुराब है वो उतारते हुए उसने ये बातें कही. एंड डोंट यू स्क्रीम सॉक्स फिर उसने कहा एंड डोंट स्क्रीम चिल्लाना मत एंड डोंट यू स्क्रीम एंड डोंट यू स्क्रीम डोंट यू स्क्रीम चिल्लाना मत एंड वेक योर पुअर पा एंड वेक योर पुअर पा वेक योर पुअर पा तुम चिल्लाना मत नहीं तुम्हारा बेचारा तुम्हारा पिता है वो जब जाएगा तुम्हारा बेचारा कहा उसको पुअर पा कहा कि ये बेचारा जो सो रहा है तुम्हारे पिता वो जब जाएंगे और पिता के नाम से तो फिर ही वो भयभीत होती थी पुअर पा. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम बट द सेम उसी रात को ओल्ड नाइट मेयर केम एक बहुत ही भयंकर डरावना सपना उसको आया और सपने में क्या आ रहा है उसके पास देखना द बुचलर विथ ए नाइफ द
बूचर कसाई BUTCHR बूचर कसाई द बूचर विथ ए नाइफ द बूचर विथ ए नाइफ कि एक कसाई है वो चाकू के साथ विथ ए नाइफ चाकू के साथ उसको दिखाई देता है एंड ए रोप एंड ए रोप उसके पास एक चाकू है और एक रोप यानी होता है रस्सा है रोप यानी रस्सा हु केम जो आया है क्या करने के लिए हु केम Nearer and nearer, nearer and nearer. वह धीरे धीरे चाकू और रस्सा लिए हुए उसके नजदीक बढ़ रहा है सपने के अंदर बच्चे को काफी डर लग रहा है Nearer and nearer, smiling that dreadful smile, smiling that dreadful smile, smiling that Smiling that dreadful smile. Smiling that dreadful smile. Smiling that dreadful smile. Dreadful का मतलब क्या भयंकर भयानक डराने वाली ऐसे जैसे मानो राक्षस जैसे हंसते हैं उस तरह की उसकी स्माइल है उसको डरा रही थी इसकी स्माइल कैसी थी Dreadful smile. Nearer smiling that dreadful. Dreadful smile कैसी स्माइल थी dreadful भयानक हंसी थी उसकी तो कहने का मतलब क्या हुआ कि what I do if I have a nightmares यदि मुझे रात को सपने आए तो मैं क्या करने वाली and फिर while she could not move while she could Not move while she could not move जब तक वह हिल नहीं पाती थी while she could not move while she could not move she could not move she could not move couldn't could only stand still could only Could only stand still. Stand still. कहने का मतलब क्या है? Stand still. वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाई. Don't move. Dreadful उसकी हंसी देख करके. Could only stand still. वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही. बिल्कुल थरथरा रही थी. Crying out. Still. फिर वो कह रही है. खड़ी खड़ी क्या कर रही है? Crying out. चिल्ला रही थी. क्राइंग आउट बच्ची उसके भय से क्या हो रहे थे क्राइंग आउट चिल्ला रही थी क्राइंग आउट ग्रैंडमा यानी वो अपनी दादी को कॉल कर रही थी क्या कर रही थी ग्रैंडमा कर रही थी दादी चिल्ला रही थी और उसके बाद में क्या हुआ सी वॉक शिवरिंग सी वो वह जग जाती है शिवरिंग यानी कंप कपाते हुए SHIVERING शिवरिंग SHIVERING शिवरिंग सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर To see father, यानी वह कम जाग वह जैसे कम जगी सी वो वह जगी shivering to see father और अपने पिता को देख करके कम कपाने लगी है shivering to see father besides her bed अपने बेड के पीछे अपने पिता को देख करके वो क्या करने लग जाती है डरने लग जाती है कम कमाने लग जाती है एंड ए
कैंडल इन ए हैंड, ए कैंडल इन ए हैंड, ए कैंडल इन ए हेड। वह चीखती हुई केवल बिना हरकत की और स्थिर खड़ी थी। वो चिल्लाती रही क्राइंग आउट स्टिल ड्रेडफुल स्माइल सी वुड नॉट बिहाइंड व्हाट्स मैटर ही सेड व्हाट्स मैटर सी सेड व्हाट्स मैटर सी सेड व्हाट्स मैटर सी सॉरी व्हाट्स मैटर ही सेड उसने कहा कहा क्या मामला है व्हाट्स मैटर ही सेड व्हाट्स मैटर ही सेड उसने कहा क्या मामला है। अब एक बार इस बात को पूरा देखें क्लियरली समझेंगे इसको कैसे कैसे इसमें बातचीत होती है। What will I do? मैं क्या करूंगी If I have a nightmare, यदि मुझे रात को बुरे सपने आए nightmare का मतलब बुरे सपने तो मैं क्या करूंगी I often have nightmares and then granny takes me into her bed. देखिए मुझे रात को बुरे सपने आएंगे तो मैं क्या करूंगी I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. रात को मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और तभी दादी अम्मा है मुझे क्या करती है अपने बिस्तर पर ले लेती है। I can't stay in dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। It all gets whispery. सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देती है फीलिंग्स आ जाती है ऐसे अंधेरे में मुझे बहुत भय लगता है बहुत डर लगता है। You just go to sleep, child said Alice, pulling off her socks. उसके मोजे उतारते हुए उसने कहा आप चुपचाप सो जाइए। You just go to sleep, child, बच्चे तुम तुरंत सो जाओ said Alice ने कहा कि तुम सो जाओ ये सब क्या करते हुए उसके मोजे उतारते हुए उसने कहा। And don't you scream, तुम चिल्लाना मत, wake up your poor pa, अपने बेचारे पिता को तुम जगा दोगी। But the same old nightmare came. लेकिन उसी रात उसको एक बहुत बुरा सपना आया। The butcher with a knife and a rope. एक कसाई उसके कमरे के अंदर चाकू और रस्सा लिए आया। Who came in nearer and nearer. वह धीरे धीरे उसके नजदीक बढ़ रहा था। And smiling that dreadful smile. और उसकी भयानक हंसी देख करके She could not move. वह बिल्कुल हिल नहीं पाई। And not could only Stand still crying out. वह चिल्लाहट के मारे अपने जगह से हिल भी नहीं पाई वह केवल स्थिर खड़ी रही। ग्रैंडमा ग्रैंडमा चिल्लाती रही दादी 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 चिल्लाती रही। And she woke up shivering और भय के कारण वह क्या हो गई जग गई। To see her father beside in her hand एक कैंडल अपने हाथ में मोमबत्ती लिए हुए अपने बेड के पीछे अपने पिताजी को देखती है और पिताजी कहते हैं व्हाट्स मैटर ही सेड उसने कहा क्या बात है क्या मामला है आप इस तरह से रात को भयभीत कैसे हो रही हैं कैसे जग पा रही हैं इस प्रकार से ये बात उसको बता रही है। तो ये इसका कुछ पॉइंट था। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा फिर हम बात कर लेते हैं। ओ ए ब्यूचर्स ए नाइफ आई वॉन्ट ग्रेनी क्या कह रहा है इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स आई हैं मैं आपके लिए वो मीनिंग्स हैं वो लिख देता हूँ ताकि आपका होमवर्क भी हो जाए। जो 10 नंबर का आपका पैराग्राफ है पैराग्राफ ऑफ 10 उसके अंदर जितनी भी मीनिंग्स आई हैं उस मीनिंग्स को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 10 नंबर के पैराग्राफ में जो सबसे पहले मीनिंग आई है नाइटमेयर क्या मीनिंग आई है नाइट मेयर यानी होता है बुरा सपना सपने के अंदर बच्चों को बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं नाइट मेयर यानी बुरा सपना। फिर दूसरी बात आती है ओफन ओफन का मतलब होता है अक्षर ओ एफ टी एन ओफन ओफन यानी अक्षर
अक्षर यानी होता है अक्षर। फिर अगली मीनिंग मान लीजिए ग्रेनी, ग्रेनी यानी दादी माँ, जी आर ए डबल एन आई, जी आर ए डबल एन आई, ग्रेनी, ग्रेनी यानी होती है दादी माँ, ग्रेनी यानी दादी माँ। और अगली मीनिंग ले दें स्टे, स्टे यानी होता है ठहरना, एस टी ए वाई स्टे, स्टे यानी ठहरना। फिर अगली मीनिंग इसमें देख लेते हैं हम स्टे के बाद में डार्क, डी ए आर के डार्क, और डार्क यानी होता है अंधेरा, क्या होता है डार्क यानी अंधेरा। विश्परी यानी सरसराहट की आवाज़ें, डब्ल्यू एच आई एस पी ई आर वाई, डब्ल्यू एच आई एस पी ई आर वाई, विश्परी यानी सरसराहट, सरसराहट की आवाज़। ऐसे जैसे रात को जैसे बिल्कुल साइलेंट हम सो रहे हैं, अचानक से कुछ पेड़ पौधों की या हिलने की ऐसे जो आवाज़ें आती हैं उसको बोलते हैं सरसराहट की आवाज़ या ध्वनियाँ। पुलिंग ऑफ, उतारते हुए, पुलिंग ऑफ यानी उतारते हुए, मतलब पुलिंग ऑफ कोई भी चीज़, जैसे पुलिंग ऑफ सॉक्स तो सॉक्स उतारते, पुलिंग ऑफ, पुलिंग ऑफ यानी उतारते हुए। स्क्रीम, एस सी स्क्रीम यानी चिल्लाना, एस सी आर ई एम स्क्रीम, स्क्रीम यानी चिल्लाना, स्क्रीम यानी क्राई करना, चिल्लाना। नाइफ, पुअर यानी बेचारा, वैसे पुअर यानी गरीब होता है लेकिन यहाँ पुअर का अर्थ क्या है, बेचारा या गरीब। अगली मीनिंग यदि हम देखें बूचर, बी यू टी सी एच ई आर, बूचर यानी कसाई, बूचर यानी क्या होता है कसाई। और नाइफ यानी क्या होता है चाकू, नाइफ यानी चाकू। और उसके बाद में हम ले लेते हैं ड्रेडफुल, ड्रेडफुल यानी चीखती हुई, नाइफ यानी चाकू, और डी आर ई ए डी ड्रेडफुल, चीखती हुई, ड्रेडफुल यानी चीखती हुई, ड्रेडफुल यानी ड्रेडफुल यानी चीखती हुई या भयानक भी होता है, ड्रेडफुल यानी भयानक, ड्रेडफुल यानी भयानक। और उसके बाद क्राइंग आउट हो गया, एस एच आई शिवरिंग यानी कांपती हुई, एस एच आई शिवरिंग, वी आर आई एन जी शिवरिंग यानी कांपते हुए, शिवरिंग यानी कांपते हुए। ये सारी बातें आ गई, देखो नाइट मेल यानी बुरा सपना, ओफन यानी अक्सर, ग्रेनी यानी दादी माँ, स्टे यानी ठहरना, डार्क यानी अंधेरा, विस्प्री यानी सरसराहट की आवाज, पुलिंग ऑफ उतारते हुए, स्क्रीम यानी चिल्लाना, पुअर यानी बेचारा, बूचर यानी कसाई, नाइफ यानी चाकू, ड्रेडफुल यानी भयानक, शिवरिंग यानी कांपते हुए। इस पैराग्राफ के अंदर ये कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग्स जो हैं वो आई हैं। इस प्रकार से ये आपको होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू वेरी मच।